हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दूसरा दिन है गंगा जी का और आप लोगों को पूरी गंगा यात्रा करवा रही हूँ, गंगा के घाटों का यात्रा करवा रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े, क्या बन रहा है, किस चीज़ का टेंट? तो जो भी है, पता नहीं, जो भी है देखने में यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से पानी पानी और अभी हम लोग सारे घाट जा रहे हैं। यहाँ से पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि कौन कौन सा कौन घाट है, लेकिन देखिए फिर भी घूमते हैं और आप भी शेयर कीजिए मैं हम लोगों के साथ। कैंप लग रहा है, कैंप ही है ये सारे घाट। अरे कोई इवेंट का है, देखो इतना लंबा सा इवेंट व्हाइट कलर का है, टेंट जैसा ही, तो टेंट जैसा ही। चलो एकदम किनारे है, चलो ये देखो टेंट भी बना है। चुप गए वीडियो में, आपका वीडियो बनाया जा रहा है, पापा आपको पता नहीं है। मणिकर्णिका जहाँ पे लाश नहीं जलती है, वहाँ पे मोड़ के वापस ले आए। हाँ, हम लोग तो पैदल से गंगा से वो 80 से गंगा आए हुए। हाँ, पैदल पिछले साल न्यू ईयर के दिन ना, पिछले साल, लेकिन बहुत चलना पड़ा था बेटा, लेकिन मजा आया था। तुमको घूमने में तो वैसे भी मजा आता है। घड़ी का थोड़ा नुकसान बता अभी टाइम कितना हो रहा है? आप अपना एक डब्बा लेकर चलिए, गंगा जी में नहीं फेंकना चाहिए आपको, गलत बात है। मैंने फेंका नहीं था, लेकिन कोई भी चीज ऐसा नहीं जो उसमें करेगा। देखिए ये चीज है, उसमें लगता है ये है गाइस, यहाँ पे लाश जल रही है, मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे कहा गया है कि 2400 घंटे लाश जल रही है। यहाँ की चिता की राख कभी बुझती नहीं है, मतलब आगे कभी बुझती नहीं है। और ये कॉरिडोर है गंगा जी विश्वनाथ मंदिर जाने का। क्यों ले अब हम लोग घाट घूम के वापस जा रहे हैं, यहाँ से आए थे 80 घाट पे। यहाँ पे अब हर जगह देखिएगा तो गंगा आरती की तैयारी हो रही है, साफ सफाई स्टार्ट होगी क्योंकि 4 बज रहा है। हाँ, 4 बज रहा है, 4 बजे से वो साफ सफाई 3 बजे से ही स्टार्ट कर देता है। अब स्टार्ट होगी साफ सफाई, उसके बाद गंगा आरती की तैयारी होगी। तो फिर हम लोग गंगा आरती में नहीं रुकेंगे, हम लोग डायरेक्ट 80, फिर उसके बाद घर जाएंगे। और अगर लेट ना हुआ, मंदिर बंद नहीं हुआ, तो हम लोग एक और जगह जाएंगे, तो वहाँ पर अगर गए तो आप वो ज़रूर ले चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार, अगला संडे। वोट पर से पूरा घाट घूमकर अब थोड़ा सा पेट पूजा, हल्का फुल्का स्नैक्स जो यहाँ पे मिलता है शाम को वो, सारे घाटों पे ये 80 घाट के ये फेमस है, नींबू की चाय और ये, तो दोनों चीज। हाँ, करेंगे सबका रोजी रोटी है, जैसे जिसका बीत जाए। और आ गया, हम लोग खा भी रहे हैं। Thank you.
नींबू चाय, नींबू मसाले चाय यहाँ का जो फेमस होता है वो नींबू चाय। चलो नितिन बैठ के नितिन, तो बताओ कैसा है ठंड में? हाँ पी लो पी लो। अब शाम हो गई इसलिए अब चलते हैं घर पे। क्या बताया? चाय पी लेमन टी। गरम फ्रेंड्स, आप लोग अगर अस्सी घाट आए तो यहाँ का नींबू का चाय जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और यहाँ का अलग ही होता है। तो एक बार अस्सी है तो यहाँ का चाय जरूर पिए। बनारस का फेवरेट मलई वाइज ये मलइयो बनारस का, और गर्मी में लस्सी और ठंडी में मलइयो। आ गए हम लोग गाइस घूमकर, अभी 5 ही बजा है, कोई ज़्यादा नहीं टाइम है लेकिन ठंड है बहुत। तो अब चलते हैं घर, मज़ा आया क्यों बहुत ज़्यादा।